तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के रिलेटेड और क्या इसमें डिफिकल्टी हो रही है और क्या आगे चांस है चेंज होने के। और बहुत से लोगों के साथ में अभी दो चार लोगों के साथ में स्कैम भी हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पोलैंड के अपॉइंटमेंट के बारे में, क्योंकि अभी ऑनलाइन में काफी लोग इस तरह बता रहे हैं कि पोलैंड का जो ड्रॉ सिस्टम है वो अभी चेंज होने वाला है फिर से। तो ये एक चीज मैं बता दूं कि ये अभी तक के ये चीज कन्फर्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ अभी जब से इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो उसके बाद से सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है कि अभी ये चेंज होगा। क्योंकि ये तो जेन्युइन सी बात है कि एम्बेसी इतना बर्डन डायरेक्ट नहीं संभाल सकती है। अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी जैसा सिस्टम हो रहा है ड्रॉ में, तो एम्बेसी इतना हैंडल नहीं कर पाएगी। डायरेक्ट इतने एप्लीकेशन ड्रॉ में आएंगे, फिर उसके बाद में एम्बेसी उतने एप्लीकेशनों को सेटल करना, तो ये एम्बेसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्कैम हुआ था, स्कैम की वजह से कुछ टाइम के लिए तो VFS बंद किए थे, लेकिन अभी अगर ड्रॉ सिस्टम अगर बंद होगा न्यू ईयर के बाद से या जनवरी से, ड्रॉ सिस्टम अगर बंद करके कोई दूसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो वो सिर्फ एक ही सिस्टम है, VFS ग्लोबल। तो VFS ग्लोबल में अब कुछ है तो गाइडलाइंस रहेंगी। अगर जैसा पहले जो आपका वीजा जैसा वर्क परमिट पे आ रहे थे और उसके जैसे रिफ्यूजल आ रहे थे और स्कैम हो रहा था, तो अब उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन रहेगा और कुछ गाइडलाइंस रहेंगी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को हमारा एप्लीकेशन करना होगा। तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है कि आपको अब कंटिन्यू है तो यहाँ पर इंडिया में कंटिन्यू आपका ड्रॉ सिस्टम ही होगा। तो ये तो हकीकत है एक तरह से, लेकिन ये कितने जल्दी स्टार्ट होगा इसका कोई आइडिया नहीं है और अभी तक के कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि सुनने में आया है अभी जब से जनवरी से है, तो ये अपने इम्प्रूव करने वाले सिस्टम को कुछ अपडेट करने वाले है गवर्नमेंट पोलैंड की तरफ से। तो काफी हद तक के जनवरी के बाद से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो जो भी है, अभी आप गिव अप मत करो ये चीजों को लेकर, और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखो ये चीजों को। और एक और चीज मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले मना किया था कि ये ड्रॉ सिस्टम में सेटिंग नहीं होता है, फिर भी दो लोगों का मुझे कॉन्टेक्ट आया, एक अपना हिमाचल से है और एक है तो नेपाल से है। इनको मैंने पहले ही बताया था आपको, पहले हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसमें सेटिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल सेटिंग का अपना कुछ भी करो मत। ऐसा कोई भी एजेंट आपको अगर बोलता है कि आप सेटिंग दो, 50 दो, 60,000 दो, 70,000 दो, मैं आपको अपॉइंटमेंट दिला देता हूँ, तो इस तरह नहीं है। मैंने आपको पहले बता चुका था और ऑलरेडी है तो मेरे दो भाई फंस चुके, उन लोग से 40,000 रुपीज लिया एजेंट ने और बोले मैं आपको दिला दूंगा, अभी एक महीना हो गया है बोलते, और वो मेरा वीडियो देखते है बोलते जो के। और मैंने अपने हर वीडियो में ये चीज बोला हूँ कि इसमें सेटिंग नहीं होता है, तो आप कोई भी स्कैम में फंसो मत। तो वो लोग ऑलरेडी वीडियो देखते हैं, उसके बाद में भी ऐसा, चलो वो तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान को होप रहती है कि भाई अपनी किस्मत में होगा तो शायद हो जाए, यहाँ से ट्राई करके देखते अपना लक। तो चलो ये चीज मानते, लेकिन मत करो इस तरह, आप लोग का पैसा लॉस मत करो, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है और स्कैम करने के टाइम पे स्कैमर लोग इजी से लेके जाते हैं। तो इस तरह आप लोग स्कैमर की बात में मत आओ, इसमें कोई भी 100% कोई श्योरिटी नहीं है इसमें। थोड़ा टाइम रुक जाओ, अभी जनवरी तो आ ही रहा है, कितना बचा है, अभी एक महीना बचा है दिसंबर का, बीच में जनवरी से इंप्रूव होने वाला है ये सब सिस्टम, इन लोग अपडेट करने वाले अपने पोलैंड। तो काफी हद तक के आपको तो इसमें चांसेस है अपॉइंटमेंट भी मिलने के और वीजा रेशियो भी अच्छे होने वाले है जनवरी के बाद से। तो थोड़ा टाइम आप वेट कर लो, बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी से। जैसा लास्ट ईयर आपको मिलते थे अपॉइंटमेंट, जैसा लास्ट ईयर जनवरी फरवरी
लास्ट ईयर में अगस्त तक के का बहुत इजी से मिले अपॉइंटमेंट, उसके बाद से ही धीरे धीरे करके प्रॉब्लम शुरू हुआ और फिर जनवरी फरवरी से टोटली ऐसा हो गया कि बहुत एकदम फुल स्टॉप जैसा हो गया कि आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहे। तो इसमें ऐसा है कि आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट, इतना टाइम जब वेस्ट कर लो तो थोड़ा टाइम और वेट कर लो, थोड़े टाइम की बात है अभी, और जनवरी आ रहा है, जनवरी से जो भी इनका इम्प्रूवमेंट होता है सिस्टम में, अगर क्योंकि ये चीज तो 100% श्योर है कि कंटिन्यू ड्रॉ सिस्टम नहीं रहेगा, और ड्रॉ में बहुत लिमिटेड चांस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वीजे नहीं लग रहे, अभी भी वीजे भी लग रहे, किसी किसी का हो रहा है। तो दो मेरे भाई है, एक केरला से एक बेंगलोर से, तो मेरे केरला वाले भाई है तो वो अपना स्टडी वीजा है, और बेंगलोर वाला जो एक भाई है मेरे तो उनका डी वीजा है, नेशनल वीजा, तो वो दोनों के वीजा रिफ्यूजल होने के बाद में भी फिर भी उन्होंने रीअपील किए, जो उसमें रीजन आया था वो रीजन को देखते हुए उसको करेक्शन करके तो उनका वीजा उनको मिल चुका है। तो इस तरह हो रहा है कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, अगर आपके इसमें एक छोटा सा भी मिस्टेक रहेगा तो वो रिफ्यूजल देंगे आपको, उसका रीजन बताएंगे, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन करके भी चांस मार सकते हैं, अगर आपका चांस लग गया, लग बाय चांस, तो बहुत अच्छी बात है, ये वेल एंड गुड है। और रही बात अपॉइंटमेंट की, तो थोड़ा टाइम और वेट कर लो, क्योंकि ये कॉमन सेंस है और एक नॉर्मल चीज है, किसी को भी समझ में आएगा कि एम्बेसी इतना बर्डन डायरेक्ट नहीं संभालता है, इसीलिए एम्बेसी ने वीएफएस के थ्रू सबमिशन लेता था, ताकि जो बर्डन है वो वीएफएस हैंडल करे, और वीएफएस से जो एप्लीकेशन आ रहे है वो एम्बेसी में सिर्फ स्टैंपिंग हो। तो थोड़े टाइम की बात है, अगर हो सकता है जनवरी से, ये भी हो सकता है अगर एम्बेसी है तो बोले कि ठीक है हम वीएफएस फिर से रीओपन कर रहे हैं, अगर वीएफएस रीओपन होता है तो वेल एंड गुड है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ट्राई करते रहना, अपना अपॉइंटमेंट जैसा भी आपको ओपन अवेलेबल दिखता है आपको बुक करना। लेकिन ड्रॉ में ऐसा है कि ड्रॉ में तो लकी ड्रॉ सिस्टम जैसा है कि आपका लक जब आएगा जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो थोड़ा टाइम की बात है, वेट कर सकते हैं आप लोग। और रही बात और नई अपडेट की, तो मैं जैसे भी और अभी मुझे नई अपडेट मिलेंगी मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ और नई चीजें बताऊंगा कि किस तरह हो रहा है क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, और काफी मेरे भाई लोग अभी अप्लाई करके परेशान होकर बैठे हैं, तो मैं उनको वही बोलूंगा क्या कोई ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है, इजी से लो, धीरे धीरे करके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कंटिन्यू ये पोलैंड की प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कुछ डिटेल बताऊंगा, नई इन्फॉर्मेशन जो भी आएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब मेरे भाइयों को दिल से बेस्ट ऑफ लक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।